कहा था ना सुमिधि कि तेरी शादी मैं ही करवाऊंगा। शादी कराने के लिए कोई ये सब करता है क्या? तेरी सुमिधि अब मेरे ऋषि पे से चलती है। भाई है वो मेरा। साला है मेरा। मेरे भाई था। अब साला हो गया। डबल रिश्ता हो गया। एक भाई का। अब साले का। सुनना। कुछ तो होगा ना तू। यही चाहता था ना तू कि मेरी शादी तेरी सुमंदी के साथ हो जाए। हो गई? हम्म, मैं काम करूं जल्दी से ठीक हो जाए उसके बाद ना तेरी मैं बहुत कुटाई करूँ। समझा? शशि तुझे पता है क्या, तेरी वजह से तेरे नेताजी भैया को टिकट भी मिल गई। सच? तेरी बात मान ली। अब तू भी ना मेरी बात मान। अब तू प्लीज जल्दी से ठीक हो जा मेरे भाई। मैं ना तेरी हालत में ठीक नहीं सकता है। और सुमिधि की विदाई? कोई विदाई विदाई, जब तक तू ठीक नहीं हो जाता मैं तेरे साथ खेलूंगी भी। गलत बात है। शादी के बाद भाई को विदाई करनी पड़ती, वरना चीटिंग होती है ना। चीटिंग होने की बात तो कर ही मत, तू बस जल्दी से ठीक हो जा। नेताजी भैया, जीजा जी, सुमिधि को समझाओ ना। मेरे हाथों से इसकी विदाई होगी, आप इसे घर लेकर जाओगे, इसका गृह प्रवेश होगा। मैंने अपनी सुमिधि के लिए जो जो सपने देखे थे ना, वो पूरे होंगे। तुझे अपने घर जाना होगा सुमिधि, तुझे जाना ही होगा। मालिनी बुआ, हेमा भूमि, आप इसे घर लेकर जाओ, सब गृह प्रवेश होगा। मैं अपनी सुमिधि के लिए जो सपने देखे थे वो पूरे होंगे। देख सुमिधि, तुझे अपने घर तो जाना ही होगा। मैं क्या कहती हूँ, ऋषि सही तो कह रहा है। तो चिंता मत करा बेटा, हमारी सुमी की विदाई जरूर होगी। अरे रे बुआ, मैं कह नहीं चाहती ऋषि को छोड़ के। बेटे शादी के बाद विदाई होना और विदाई के बाद गृह प्रवेश, यही रीत है। मैंने बात की किसी रीत में को जो कुछ जाते ऋषि से अलग करते। ऋषि से कोई अलग नहीं कर सकता, इतनी हिम्मत तो हम इंसानों में नहीं है। पर देख, जैसे ऋषि ने जिद की, उसने जिद करके तेरी शादी करवाई है, वैसे अभी हमारी जिद है कि तेरी विदाई हो।